हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज का वीडियो बड़ा ही अलग किस्म का होने वाला है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा जो अपने आप में बहुत यूनिक होंगी। इसका आइडिया मुझे कहाँ से मिला है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। गुड़गांव से जुड़ा हुआ हर आदमी या कहें हरियाणा में रहने वाला हर वोटर इस वीडियो को ज़रूर देखे, आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से बरसात का मौसम आया है, ख़ास तौर पे गुड़गांव में सड़कें टूट चुकी हैं, जगह जगह पानी भर रहा है, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि हमारे घर के आगे, हमारे अपार्टमेंट के पास, हमारे एरिया में सड़कें सही से बने, अदरवाइज़ हम वोट नहीं देंगे, हम बायकॉट कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक दो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के इस तरह के प्रोटेस्ट करने से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। हाँ, आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि इलेक्शन का टाइम आ चुका है और इलेक्शन के टाइम पे आपको थोड़ा सा पीछे हट के चलना पड़ेगा, पीछे हट के देखना पड़ेगा, तभी आप आगे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव में रहने वाले लोगों की, ख़ास तौर पर जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बाय किए हैं। आपने जो अपार्टमेंट बाय किए उसके अंदर और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो आपको सारी अमेनिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर पानी भरा हुआ, इधर उधर कूड़ा फैला हुआ, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, बारिश के बाद भी पानी खड़ा रहता है और लोगों की गाड़ियाँ तक ख़राब हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी बदलती रहती हैं और ट्रैफिक की ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे के पूरे साल भर रहती है। अब थोड़े दिन के बाद जब सर्दी आएंगी तो पोल्यूशन की दिक्कत आ जाएगी, सर्दियों के बाद फिर गर्मी आएगी तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, बिजली के कट लगने लगेंगे। आपको नहीं लगता कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा सरकार की तरफ कोई इस तरह का कुछ आपका सजेशन जाना चाहिए, कुछ इस तरह का आपकी तरफ से दबाव पड़ना चाहिए जो पॉलिटिक्स कर रही है पार्टियां, वो आपकी बात को सुने, आपकी समस्याओं को सुने? क्योंकि हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, तो आप ही को लोगों को प्रॉपर्टी देते हैं, तो आपकी समस्या जब ये दिखी मुझे तो मुझे लगा कि इस चैनल पर, रियल एस्टेट के चैनल पर, इस पर ज़रूर बात की जाए। आप लोगों को पता है इलेक्शन अनाउंस हो चुका है हरियाणा का, 1 अक्टूबर को इस पर वोट पड़ने हैं। आपके जो भी समस्याएँ हैं मोस्टली वो मुझे लगता है, एक तो बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ड्रेनेज, कूड़ा, यही सैनिटेशन, यही मोटी मोटी सी आपकी प्रॉब्लम होंगी जो सरकार से आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो। मुझे लगता नहीं इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, बाकी तो सब इतने कैपेबल हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आप 2019 में जाइए और 2019 में जाके, क्योंकि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं और उनमें से किसी ने एक पार्टी की सरकार बननी है, तो 2019 में इन दोनों पार्टीज़ के मैनिफेस्टो उठा के देखिए और उसमें देखिए कि आपके लिए उसमें क्या था, आपके गुड़गांव के लिए उसमें क्या था। क्या उसमें कहा था कि जो यहाँ पर गर्मियों में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है, बिजली की समस्या हो जाती है, उसको लेके ये गवर्नमेंट, ये पार्टी कुछ काम करेंगी? दोनों ही पार्टी के मैनिफेस्टो आप देखिए इनफैक्ट, और उसमें देखिए कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों पर पॉट हाउस बने हुए हैं, ड्रेनेज का बुरा हाल है, इन सब को लेके क्या कुछ इनके मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो की जो अगले 5 साल में जिस भी पार्टी की सरकार आएगी वो ये करेगी, पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर क्या कुछ था इनके मैनिफेस्टो में, या फिर इनके मैनिफेस्टो में ये जो गार्बेज है, कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी आती है, कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे लगे हुए, इसको लेके कोई था, कोई विजन था कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा? आप खुद जाके देख लीजिए। मैंने खैर दोनों के ये मैनिफेस्टो देख लिए हैं, इन मैनिफेस्टोज में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है आपके शहर के लिए। आज मैं जिस वीडियो में सिर्फ गुड़गांव की बात ही नहीं कर रहा, आप जिस भी शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, खासतौर पे हरियाणा के मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी इस वीडियो में आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा मैं एक समाधान देने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का जो है निवारण हो सकता है, समाधान हो सकता है, वो कैसे। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपको नहीं लगता कि जो ये मैनिफेस्टोस बना रहे हैं, हर पार्टी बना के आपके सामने रखेगी, हम ये करने वाले हैं, उसमें ये एग्रीकल्चर की बात करेंगे, उसमें ये वीमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, टूरिज़्म की बात करेंगे,
इंफ्रा की बात करेंगे, वो बात करेंगे पूरे स्टेट की। पर आपको लगता नहीं है कि इन सारी चीज़ों से इतर आपके शहर की बात होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, आपके हर शहर की बात होनी चाहिए और साथ में गांवों की भी बात होनी चाहिए। बट इस वीडियो में हम शहर तक सीमित रहेंगे क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली वो सिटीज़ की है। तो मैं आपके सामने एक ऐसी स्कीम या कह सकते हैं ऑप्शन या एक ऐसा उपाय या ऐसा सोल्यूशन रखने जा रहा हूँ जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और पॉलिटिकल पार्टियों का भी फ़ायदा होगा। तो मैं वो आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ मैनिफेस्टो बना रही हैं, इन पर आप लोग इकट्ठे होकर या जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ है उनसे मिल के आप ये दबाव बनाइए कि आपके मैनिफेस्टो में आपके शहर की बात होनी चाहिए। एक मैनिफेस्टो पूरा कॉमन जो होता है वो होना चाहिए, एक सब मैनिफेस्टो होना चाहिए। सब मैनिफेस्टो में हर शहर की बात होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि गुड़गांव में अगर 500 अपार्टमेंट्स हैं या 500 कॉलोनीज है, 500 अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, तो उन सब का एक सबके एसोसिएशंस ज़्यादातर बने हुए हैं, RWAs बने हुए हैं। और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें 4 विधानसभाएं आती हैं मोटा मोटा, और इन 4 विधानसभाओं में अलग अलग 4 पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग खड़े होंगे, आपको सब RWAs को मिल के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पर उठानी चाहिए या उनसे मिलना चाहिए और आपकी कॉमन एजेंडा बना लेना चाहिए कि गुड़गांव की मेन ये समस्याएं हैं। यहाँ पर बिजली की, पानी की, सड़कें टूटी हुई हैं और सीवरेज की, ड्रेनेज की, ये मेन समस्याएं हैं। इनका कोई सलूशन होना चाहिए और आप इनका सलूशन कैसे करेंगे, इनका समाधान कैसे करेंगे। मैनिफेस्टो 2019 का आप इनका पढ़ेंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का, तो दोनों में बहुत सारी पॉइंट्स जिनकी हम बात करें कवर किए हुए, लेकिन उनका कैसे समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा, उस पर कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है इन कैंडिडेट से आप मिलें और इन कैंडिडेट से आप अपने कॉमन मैनिफेस्टो बनाएं अपने शहर का और इनको बोले कि आप अपने मैनिफेस्टो में हमारे इस कॉमन मैनिफेस्टो को शामिल करो। अगर आप इनको शामिल करोगे और इसका सॉल्यूशन आप भी बताइए और उनसे भी पूछिए, दोनों को मिला के कि इसके सॉल्यूशन भी आप इस मैनिफेस्टो में रखिए, तब हम आपको वोट देंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो जाए और उनसे एफिडेविट भी लें और साथ के साथ ऐसा कुछ करें कि वो उस पर काम करें, नहीं तो 5 साल के बाद आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि उनको बदल लेगा अगर वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो ये सिर्फ गुड़गांव का एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ। आप चाहे रोहतक से हैं, भिवानी से हैं, जींद से हैं, हिसार से हैं, सिरसा से, अम्बाला से हैं, चाहे रेवाड़ी से हैं, महेंद्रगढ़ से हैं, आप सब लोग ये कर सकते हैं। आप अपना मिल के RWAs है, जो आपके संगठन है, जो भी लोग हैं, सब एक शहर की 10-10 समस्याएं लीजिए, 10-10 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लीजिए, उसका एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाइए और उस मैनिफेस्टो को शामिल करने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर दबाव डालिए। कितना भी बड़ा, अभी तक ये 4-5 पेज का मैनिफेस्टो बनाते, 50 पेज का बन जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हर डिस्ट्रिक्ट का उसमें एक सब मैनिफेस्टो होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट से या उस शहर से जुड़े हुए लोगों की बात होनी चाहिए कि हाँ हमारे शहर में अगले 5 साल में ये पॉलिटिकल पार्टी ये काम करेगी। अगर आपका वो मैनिफेस्टो वो शामिल कर लेते हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपकी बात सुनी गई, और आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं गई, उस अगले 5 सालों में आप उनको ये काम करने के लिए दबाव भी डाल सकते हैं कि आप ये देखिए, आपने हमने मैनिफेस्टो बनाया था और आपने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करा था, अब इस पे आप काम करिए। ये एक कैसा सोल्यूशन है आप बताइए, कैसा एग्जांपल है। आज से पहले इंडिया के किसी भी शहर में, इंडिया के किसी भी स्टेट में कहीं भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट गुड़गांव से हो और ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हो कि आने वाले जितने भी इलेक्शंस हों वहाँ पर जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो बैठ के वहाँ के इश्यूज़ डिसाइड करे और उन इश्यूज़ का एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाए और उनको शामिल करा जाए इन पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में और फिर उस पर काम हो। एक मैंने जैसा कि कहा कॉमन मैनिफेस्टो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए क्या करेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए क्या करेंगे, वो इनका अपना एक मैनिफेस्टो हो कॉमन, उसमें वो जो चाहते हैं वो करें। लेकिन आपकी जो कॉमन समस्याएँ हैं, कॉमन जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उनको भी तो एड्रेस करना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को, उनका एड्रेस भी तो इनके मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरे गुड़गांव में हर आदमी तक पहुंचा देंगे और उसके बाद आपके पास अभी बहुत टाइम है,
आप इस पे काम करना शुरू करें, आप RWS की मीटिंग करें, RWS के ऊपर RWS की भी पूरी की पूरे संगठन है, उनके ऊपर 20-20, 50-50 RWS का एक मेजर संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप मिलिए, बैठिए, जो और लोग हैं उनके साथ मिलके बैठ के इस शहर की जो 10 मेजर प्रॉब्लम्स है उसका एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाइए। उस मैनिफेस्टो को लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इनके कैंडिडेट्स के पास जाइए, उनको बोलिए ये हमारा मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करो, हमसे वोट ले लो। तो ये मुझे लगता है कि आपको आने वाले 5 साल में आपकी जो 100 प्रॉब्लम्स है उसमें कम से कम अगर ये 50 भी उनका समाधान दे देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो सरकारें हैं, आपकी बात सुन रही हैं। अदरवाइज 5 साल के बाद आपके पास टाइम रहेगा फिर से इन्हें बदलने का, लेकिन ये सब करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको इनके पुराने मैनिफेस्टोज देखने होंगे, गूगल कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा। आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं किस पार्टी ने क्या क्या वादे करे थे और किसकी सरकार आई, उसमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने प्रोमिसज को इन्होंने फुलफिल किया है। तो ये इनिशिएटिव गुड़गांव ले सकता है, गुड़गांव बहुत हैपनिंग सिटी है, गुड़गांव में टेक ही बहुत है, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप इस तरह का कुछ अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं, वहाँ पर जोड़ कर लोगों से लोगों की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम्स को सेग्रीगेट करके या उनको एक साथ करके उसमें से 10 मेजर प्रॉब्लम निकाल के आप एक मैनिफेस्टो बना के और इनको दीजिए और ये उस पर शामिल करेंगे। और गुड़गांव से अगर इस तरह की शुरुआत होती है तो आपको देख कर मुझे लगता है दूसरे जो शहर हैं वो लोग भी मोटिवेट होंगे, और इसके बाद अगर हरियाणा में ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो दूसरे स्टेट में भी इलेक्शन होंगे वहाँ भी ऐसा कुछ बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा, और सीधा सीधा गवर्नेंस में आपका पार्टिसिपेशन होगा, आपकी बात रखी जाएगी। आपको कुछ एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ इतने बड़े बड़े प्रोमिसज कर देती हैं, आप उनके मैनिफेस्टो उठाएंगे तो मैं पढ़ रहा था किसी ने कहा था कि MP के पास 5 सिटीज़ बसा देंगे, स्मार्ट कस्बे बना देंगे, किसी ने कितने बड़े बड़े प्रोमिसज किए हुए हैं, रैपिड मेल चला, किसी ने प्रोमिस किया रैपिड रेल चला देंगे, किसी ने पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसी बात की हुई है, लेकिन किस तरह से कर देंगे इस पर कोई बात नहीं की है। तो मैं जो एग्जांपल देने जा रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल वेस्ट बंगाल बहुत चर्चा में है अपने वहाँ पर जो इंसिडेंट है उसको लेकर, जब वहाँ इलेक्शन हुआ था तो आपको मैं बताऊँ वहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो सर्वे हुआ था वह प्रॉब्लम थी लोगों के जो पेंशन का इशू था, वो था लोगों की पेंशन टाइम पर नहीं बन रही थी। जो पॉलिटिकल पार्टी अभी सरकार में उन्होंने एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे उनको हायर किया, उन्होंने लोगों से मिली, उनकी टीम पता लगा कि ये लोगों की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और वो पार्टी फिर दोबारा से सत्ता में आई। ऐसा ही एक और एग्जांपल है बिहार का भी बता देता हूँ। बिहार में भी इस तरह की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम लोगों की सामने आई थी, लोगों की नाली की समस्याएँ थी, लोगों के घरों के आगे नालियाँ नहीं बनी हुई थी, नालियाँ बनी हुई जो टूटी हुई थी, उनमें गंदगी भरी रहती थी, सफाई नहीं होती थी। तो जब ये कॉमन सी प्रॉब्लम निकल के सामने आई और जो पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम सत्ता में थी उसने इसको एड्रेस किया, उस पर काम किया, तो दोबारा वो सत्ता में आ गई। तो बस कहने का यही मतलब है कि प्रॉब्लम लोगों की बहुत छोटी छोटी हैं। लोगों को अपने घरों में राशन नहीं चाहिए, लोगों को आपके घरों में, आप उनके घरों में दूध पहुँचाएँ, आप उनके घरों में सब्जी पहुँचाएँ, आप उनके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरें, ये उन्हें नहीं चाहिए, वो सब खुद कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन्हें ये जो बेसिक अमेनिटीज़ है, ये जो शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपसे चाहते हैं, वो आपको इन 5 सालों में पूरा करना है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको एक रास्ता दिखा रहा है, रोशनी की नई किरण आपको दे रहा है, आप इस पे ज़रूर काम करिएगा। इतने सारे RWS हैं, मुझे लगता है कि इस पे आप आज से काम करना शुरू कर देंगे और आप इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इलेक्शन तक अगर आप चाहते हैं हम इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेके आए, इस तरह के इश्यूज उठाएं, कहां पर किस तरह की प्रॉब्लम्स है वो भी उठाएं, तो आप हमें नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, वो ज़िम्मेदारी आपकी है, रास्ता मैंने दिखा दिया, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम आपका है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे और इस पर काम करेंगे और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी से ही इस पर जुट जाइए, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, और मुझे लगता है कि जब 1 तारीख को वोट पड़ेंगे और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपकी मेहनत जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देगी, जो आप ये मेहनत करेंगे।
अगर आप अभी प्रोटेस्ट कर लेंगे नो वोट नो रोट, उन प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट आएगा, आपसे बोल देगा कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी ये सड़क बनवा दूंगा, वो सड़क कहाँ से बना देगा? अक्टूबर तक तो इलेक्शन होंगे, उसके बाद वो पॉल्यूशन का जो ग्रैप लगता है वो लग जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन का काम वैसे रुक जाएगा, तो अगले 6 महीने तक तो आपको इन्हीं टूटी सड़कों पर चलना पड़ेगा, ना कोई ड्रेनेज का सिस्टम होगा, ना कोई कूड़ा उठाने की कोई ऐसी चीज़ें होंगी। तो कूड़े के लिए डंपिंग साइट बनाई भी जा रही थी तो 103 सेक्टर में जो बनाई जाती है उस पर होल्ड हो गया। तो इस तरह के इश्यूज़ को लेकर, इस तरह इनको कहाँ होना चाहिए उसको लेकर आप इकट्ठा होइए, अपने कॉमन जो इश्यूज़ हैं उनको एक साथ मिलाइए और आप इनके मैनिफेस्टो में उनको डलवाइए। ये सिर्फ गुड़गांव के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा मैं, पूरे हरियाणा के हर शहर के लोग अपने शहर का मैनिफेस्टो बनाएं और इनके मैनिफेस्टो में जुड़ा डलवाएं इनके मैनिफेस्टो में, और फिर जो डाल ले उसकी पॉलिटिकल पार्टी पे जिसमें आपको भरोसा हो, जिसका कैंडिडेट ठीक हो, जो आपकी आइडियोलॉजी को मैच करता हो, आप उसको वोट दे दो और देखो रिजल्ट क्या निकलता है। तो वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।